हेलो स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक की है लेसन प्लानिंग तो लेसन प्लानिंग में इंट्रोडक्शन हो गया था डेफिनेशन हो गई थी ठीक है अब अपन इसके देखेंगे पर्पस इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लेसन प्लानिंग ये अपन साथ में करेंगे है ना वैसे तो पर्पस थोड़ी अलग है इंपॉर्टेंस भी अपन अलग कह सकते हैं फंक्शन है ना लेकिन अपन साथ में करेंगे है ना क्योंकि तीनों चीज सेम से कॉमन ही है इसमें है ना तीनों तो अपन इसके पर्पज इंपोर्टेंस फंक्शन ऑफ लेसन प्लानिंग मतलब जो लेसन प्लानिंग है इसके अपन पर्पज या इम्पोर्टेंस या फंक्शन अपन देखें ठीक है मतलब ये लेसन प्लानिंग जो है इसके अपन जो पर्पज या इंपोर्टेंस या फंक्शन अपन देखेंगे तो इसमें तीन जो पॉइंट जो है है ना या तीन जो थिंक है उन्हीं पे डिपेंड है इनके इंपोर्टेंस या फंक्शन जो है फर्स्ट हो गया स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट के लिए टीचिंग जो लेसन प्लानिंग है स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है है ना स्टूडेंट के लिए पर्पज है और स्टूडेंट के लिए एक फंक्शन भी उसका ठीक है नेक्स्ट हो गया टीचर सेकेंड हो गया टीचर और थर्ड हो गया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ठीक है तो तीन जो पॉइंट है वो अपने को माइंड में रखना है स्टूडेंट टीचर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्हीं से रिलेटेड इनके पर्पज इंपोर्टेंट एंड फंक्शन इंपोर् होंगे लेसन प्लानिंग के ठीक है जैसे अपन आपको एक बता देता हूँ एक्जाम्पल जैसे टीचर के लिए अपन देखें ठीक है लेसन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है या पर्पज क्या या, या फंक्शन अपन देखें तो मतलब टीचर जो है है ना अगर लेसन प्लानिंग होगा है ना तो टीचर के लिए वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा ठीक है मतलब जो हेजिटेशन जो कम होगी कॉन्फिडेंस रहेगा है ना और पहले से प्लानिंग है तो वो एक फिक्स टाइम में वो कंप्लीट भी हो जाएगा दूसरा स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए क्या है इंपॉर्टेंस या उसका पर्पज क्या है कि स्टूडेंट अगर लेसन प्लानिंग है लेसन प्लान है प्रिपेयर लेसन प्लान है टीचर के पास है ना और उसके हेल्प से अगर टीचिंग करवा रहा है तो स्टूडेंट का जो है वो इंटरेस्ट रहेगा ठीक है अगर ऐसे टीचर जा रहा है है ना तो स्टूडेंट सोचेगा इसके पास नोट्स नहीं है कुछ भी नहीं है तो मतलब कैसे पढ़ाएगा क्या नहीं है ना अगर मेटेरियल है तो स्टूडेंट भी सोचेगा कि हाँ इस मेटेरियल में क्या लिखा हुआ है है ना वो थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट बनेगा ठीक है दूसरा अगर ये दोनों टीचर का मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा स्टूडेंट का इंटरेस्ट बनेगा तो सीधी सी बात है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसका आउटकम क्या होगा इफेक्टिव ठीक है तो अपन इसके पर्पज जो इम्पोर्टेंस या जो फंक्शन है वो अपन देखेंगे फर्स्ट है इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेली टीचिंग ये एक मेन पर्पज हो गया कि भैया फंक्शन भी कर सकते हैं अपन है ना कि भी जो डेली टीचिंग जो है है ना लेसन प्लानिंग क्या करता है इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन किए मिलते हैं अपने को डिफाइन करते हैं अपन जो भी ऑब्जेक्ट अपने इंट्रोडक्शन में देखा था कि भी जो ऑब्जेक्टिव की जो ऑब्जेक्टिव जो है लेसन प्लानिंग के वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट है इट हेल्प इन अडप्टिंग द टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर मतलब जो लेसन प्लानिंग क्या करता है एक टीचिंग के दौरान जो टीचिंग की जो मेथड जो है है ना वो सब्जेक्ट के मैटर के अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट करने में हेल्प करता है ठीक है लेसन प्लानिंग जो है मतलब कौन सा लेसन प्लानिंग अपने पास है कि हाँ इसमें ये मैटर है इसमें ये डिवाइस अपने यूज में लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं जो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मैथड है ना क्या कर सकते हैं उसमें वो इजी रहता है, है ना इजीली अपन टीचिंग मैथड सेलेक्ट कर सकते हैं अगर अपने अपने पास लेसन प्लान है तो ठीक है नेक्स्ट अगर अपन इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें इट इंस्योर इट इंश्योर एक सेकेंड हा नेक्स्ट अपन इसमें जो इट इंश्योर डेफिनेट आउटकम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये अपन ने जो अभी बताया था आपको थर्ड जो पॉइंट बताया था है ना अगर लेसन प्लान है है ना लेसन प्लानिंग के थ्रू आप अगर कोई भी टॉपिक जो है एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो आउटकम जो है वो पक्का डेफिनेट होगा आउटकम और वो भी एक इफेक्टिव आउटकम होगा ठीक है नेक्स्ट है ए प्री प्लान लेसन प्लान रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ टीचर मतलब जो प्री प्लान लेसन जो है वो क्या करता है एक टीचर की जो एंजाइटी जो है उसको वो कम करता है है ना पहले से अपने लेसन प्लान जो है प्री प्लान है है ना लेसन प्लान के थ्रू अगर टीचिंग जो करा रहे हैं तो वो क्या होगा एक टीचर की जो एंजाइटी है उसको वो कम कर देता है उसका कॉन्फिडेंस जो है लेवल वो बढ़ जाता है नेक्स्ट है इट इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट है ना नेक्स्ट अगर अपन इसका पर्पज देखें लेसन प्लानिंग का स्टूडेंट के लिए अपन देखें और भी काफी आप जितने आपके माइंड में जो पर्पज है इंपॉर्टेंट सारे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो जरूरी नहीं जो मैंने नोट करो वही है मैंने तो एक एक पॉइंट ऐड किया है, है ना जैसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ेगा है ना प्रॉपर अटेंशन होगा अटेंशन होगा तो उसका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी अच्छे से लर्न करेगा वो है ना अच्छे से उसको समझ में आएगा ठीक है तो अपन कह सकते हैं नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो है वो इफेक्टिव होगा ठीक है नेक्स्ट है इट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड प्रिवेंट अननेसेसरी रिपिटेशन ऑफ टॉपिक ठीक है ये भी एक लेसन प्लानिंग है अपने पास लेसन प्लानिंग के थ्रू अगर टीचर जो टीचिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगी एक सब्जेक्ट मैटर में कंटिन्यूटी रहेगी है ना कि हा ये इस टॉपिक का लेसन जैसे अभी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं है ना ये कंटिन्यू चल रही है ठीक है इसमें मतलब अपने पास मैटर है मैटर जो है वो रिटर्न में है है ना जैसे आपके पास जो पीडीएफ जो फाइल भेज रहा हूँ जो वीडियो भेज रहा हूं इससे मतलब क्लियर हो रहा है कि हाँ ये यूनिट होगी इसमें ये टॉपिक है एविडेंस है अपने पास ठीक है तो वैसे ही जो लेसन प्लानिंग है वो एक एविडेंस अपन कह सकते हैं उससे जो सब्जेक्ट मैटर उसकी कंटिन्यूटी रहेगी और दूसरी चीज की भी वो रिपीट नहीं होगी बार बार ठीक है जैसे एक टॉपिक हो गया जैसे अपन अगर, अगर अपने पास कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा तो अपन एक टॉपिक हो गया उसको दोबारा स्टार्ट कर देंगे फिर कर देंगे दोबारा एक बार और फिर कर देंगे तो मतलब फिर वो कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट करना है ठीक है तो अपन अननेसेसरी जो टॉपिक जो है वो रिपीट ना हो उसको भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट इसकी जो पर्पज या इंपॉर्टेंस की अगर बात करें इट प्रोवाइड फ्रीडम सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर मतलब ये क्या करता है एक टीचर को फ्रीडम प्रोवाइड करता है है ना कि भी यहां लेसन प्लान है तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा बिल्कुल फ्रीली वो क्या कर सकता है टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है सेल्फ uh, रिलायंस मतलब खुद पे uh, मतलब जो खुद को अच्छे से जानेगा वो ठीक है एंड कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स एंड जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा नेक्स्ट है इट प्रोवाइड गाइडलाइन टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है ये लेसन प्लानिंग जो है है ना नेक्स्ट इट डेवलप द रीजनिंग इमेजिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द टीचर मतलब ये टीचर की नहीं बल्कि स्टूडेंट है उसकी भी जो रीजनिंग जो है इमेजिनेशन जो है या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करता है मतलब ज्यादा जो है वो टीचर की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है इमेजिनिंग है है ना रीजनिंग जो है वो एक लेसन प्लानिंग के थ्रू अपन जो थोड़ा सा डेवलप हो सकते हैं मतलब जैसे नॉर्मली अपने पास जो मैटर है वो रिटर्न में है है ना तो उसके थ्रू अपन रीजनिंग जो है वो भी अपन यूज ले सकते हैं डिसीजन अपन ले सकते हैं ठीक है किसी भी टाइप का अपन क्वेश्चन पुट अप करना हो तो कर सकते हैं मैटर अपने पास है क्वेश्चन अपने सामने है है ना क्योंकि अपन क्वेश्चन भी अपन जो फीडबैक है वो लेसन जो लास्ट आपको बताया था ठीक है अपन उसमें ऐड करते हैं नेक्स्ट है इट लिंक न्यू नॉलेज विथ प्रीवियस नॉलेज एक्वायर्ड बाय ए स्टूडेंट मतलब जो स्टूडेंट जो है है ना वो लेसन प्लानिंग के हेल्प से क्या करता है कि उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज है है ना है ना उसको क्या करता है जो न्यू नॉलेज जो जो है एक्वायर कर रहा है है हाँ ना वो दोनों का लिंक रहता है मतलब वो जुड़ जाता है कि लेसन प्लानिंग टॉपिक है जिसे अभी मैं आपको ये लेसन प्लानिंग टॉपिक बता रहा हूं ठीक है तो इससे पहले आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन जो यूनिट है उसमें बताया था ठीक है तो वो तो हो गया एक प्रीवियस नॉलेज और ये हो गया न्यू नॉलेज तो दोनों ऐड हो गए दोनों कनेक्ट है की भी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है है ना उसी से रिलेटेड ये लेसन प्लानिंग है ठीक है तो ये आपको आप एक कर सकते हो ठीक है ये हो गए इसके अपन जो इम्पोर्टेंस या फंक्शंस या पर्पस इसके अलावा अदर अगर अपन देखें ठीक है कुछ और भी अपन इसमें कह सकते हैं नॉर्मली जो एक, एक टीचर को इसमें एक, एक हेल्प है, और मिलती है इसमें एक टीचर इसमें एक फ्रेमवर्क मिलता है उसको है ना उसी फ्रेमवर्क में वो क्या कर सकता है अपने जो थॉट जो है या टीचिंग जो है वो कंडक्ट करवा सकता है और दूसरा इसमें अपन फंक्शन अपन देखें तो ये क्या करता है कि अच्छे से स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट आपको बताया था इंटरेस्ट जो है और ये मतलब मतलब क्लेरिफाई करता है कि अपने जो आइडियाज जो है वो अपन मतलब कैसे कहाँ या कब है ना कैसे यूज में लेने हैं है ना उसमें भी हेल्प करता है ठीक है और दूसरी अपन कह सकते हैं कि इसमें जो सिस्टेमेटिक तरीके से या ऑर्डररी ऑर्डरली uh, जो तरीके से अपन इसको टीचिंग को है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट अपन देखें तो जो ए, जो टीचर जो है उसको एक और हेल्प भी अपन कर सकते हैं जैसे ए, जो नर्वसनेस जो है है ना या इनसेक्योरिटी जो है है ना है ना उसको क्या करता है ये कम करता है है ना ओवरकम फीलिंग ऑफ नर्वसनेस एंड इनसेक्योरिटी एंड गिव्स देम कॉन्फिडेंस टू फेस द क्लास ठीक है मतलब इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि वो क्लास को अच्छे से फेस कर सकता है और इसमें अपन क्वेश्चन वगैरह है वो भी अपन रख सकते हैं तो क्यूशन पुटअप भी कर सकते हैं इसके हेल्प से ठीक है और इसके अलावा अपन जो है भी आपको बताया था वोट कर सकते हैं और इसके अलावा जो एक ए, ए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है या कर सकते हैं कि इसमें जो भी रिसोर्सेज जो मटेरियल है वो भी अपन इसमें यूज ले सकते हैं ठीक है तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस ठीक है नेक्स्ट अपन देखेंगे फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू